अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब क्वारंटीन टाइम इन्जॉय कर रहे होंगे, आइसोलेशन इन्जॉय कर रहे होंगे। आई नो बोरिंग है, पर क्या करें, घर पे रहें और सेफ रहें। एनीवेज, आई सबसे बड़ा जो क्वारंटीन का मसला है वो है लड़कियों के लिए आईब्रोज। आईब्रोज ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग हैं जो खुद से कर पाते हैं, और हमें इसके लिए तो पार्लर जाना ही पड़ता है। अब एज यू ऑलरेडी नो कि पार्लर वगैरह हो चुके हैं सब बंद, तो क्या किया जाए, कैसे घर पे आईब्रो हम बना सकते हैं? तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो शूट करूँ आप लोगों के लिए, एक ट्यूटोरियल शूट करूँ, आसान सा तरीका, ताकि आप लोग घर बैठे जो है अपनी आईब्रोज मेंटेन कर सकें और गुजारे लाइक रख सकें। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो हैं ये। आपका जो फेस है वो क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर्ली क्लेंज्ड होना चाहिए, उस पर कोई भी आईब्रो पे कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे आईब्रो वैसे तो शेप्ड हैं, क्योंकि मैंने खुद ही बनाई थी, लेकिन क्योंकि अब फिर आ गई हैं दोबारा, सो आई थॉट कि मैं इसको शूट करूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ सेंटर में बाल हैं, अंडर द आई यहाँ पे बाल हैं, और थोड़े से ऊपर भी हैं, लेकिन ओवरऑल शेप में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको पसीना आया हुआ है तो आप सबसे पहले कोई भी लूज पाउडर जो है ले सकते हैं, या पाउडर ले सकते हैं, और उसको अपनी आईब्रो के नीचे जहाँ भी आपको पसीना फील हो रहा हो, स्वेटिंग फील हो रही हो, वहाँ आप जो है उसे लगाएं, ताकि जो भी स्वेट है वो एब्जॉर्ब हो जाए, स्वेट या ऑयल जो भी आ रहा है, और आप इजीली जो है अपना काम कर सकें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ले लेना है थ्रेड। थ्रेड जो है ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाला लें जो यू नो आईब्रो के लिए आता है। आई नो घर पे नहीं होता यूजली, मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था आईब्रो वाला, तो मैं ले रही हूँ। अदरवाइज आप कोई सा भी मोटा धागा ले लें, अच्छे वाला धागा ले लें, तो वो भी काम कर देगा। मेरे पास जो है ये आईब्रो वाला थ्रेड है, और मैं इससे क्या करूँगी, इससे मैं लूप बनाऊँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने एक लूप बना ली है, ठीक है, ये इसका यू हो गया, और यहाँ से मैंने इसको गिरा लगा दिया, ठीक है। लंबा रख लें, छोटा रख लें, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसको चलाना शुरू करेंगे, आपके हैंड में जिस तरह से भी कंफर्टेबल होगा तो आपने उसी तरीके से करना है। मैं यूजुअली इतना लंबा ऑलमोस्ट 12 इंचेस लंबा बना लेती हूँ, बट आप अपनी यानी हाथ के मुताबिक जो है उसको लंबा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने काम करना है वो करना है ये कि हम एक स्पूली लेंगे, स्पूली जो कि यूजुअली होती ही है घरों में, यू नो ये एक बड़ा यूजलेस सा ब्रश समझा जाता है कि हम लोग इसको यूज़ भी नहीं करते। इससे क्या करना है, आपके बालों की जिस तरह की जो आईब्रो की जो शेप है, आपने बेसिकली उसको पहले अपवर्ड ब्रश करना है, या वो एक कोम आती है वो मुझे मिल नहीं रही, तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सारे बाल जो हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में कर लेने, देखें कितने लंबे लंबे निकल रहे हैं, ठीक है, कितने लंबे लंबे निकल रहे हैं क्योंकि शेप में नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको कट करना शुरू करना है छोटी सीजर से, बड़ी सीजर से भी कर सकते हैं, छोटी सीजर नहीं है तो, लेकिन अमूमन घरों में होती है छोटी सीजर, तो आप उससे जो है इसको कट करना शुरू करें जो भी एक्स्ट्रा बाल थे, ठीक है। क्योंकि आप खुद से बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आईब्रो ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत, मतलब ज़्यादा बारीकी की तरफ ना लेके जाएं, कि बारीक करते करते कुछ और हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप जो है उसको नॉर्मली रखें, जस्ट आईब्रो को शेप दें। काफ़ी हद तक आईब्रो तो सिर्फ कटिंग से ही शेप में आ जाती है, आपको आइडिया हो जाता है
लेकिन हमने ऑब्वियसली पूरी आईब्रो बनानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो मैंने थ्रेड को बताया था लूप, मैं उस लूप को लूंगी और ये मैंने लूप ले ली, ठीक है, और लूप लेके मैंने उसको घुमाना है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 ले लिए ना मैंने लूप, इसको 5 जो है ट्विस्ट लिए। और उसके बाद जो है मैं सबसे पहले सेंटर से शुरू करूँगी और मैंने यूँ चला, एक साइड को मैंने ये इस साइड को यूँ मूव करना है और इससे मैंने उसको वापस लेके जाना है, ठीक है, इसको नहीं मूव करना, सिर्फ इसको, ठीक है, सिर्फ इसको आपने मूव करना है और इसको आपने नहीं मूव करना, इसको आपने तब मूव करना है जब ये पूरा यहाँ चला जाए, फिर आप यूँ करेंगे तो ये वापस जाएगा। तो आप ये देखें, आईब्रो जो है आप बिल्कुल यूँ रखिए, ठीक है, जब आप यूँ रखेंगे तो आपकी आईब्रो खिंच जाएगी, मतलब लाइक आप फॉरहेड को यूँ रखें, टाइट रखें, अदरवाइज अगर आप इसको यूँ करके करेंगे तो पेन भी ज़्यादा होगी और प्लस कट लग सकता है। मेरा क्योंकि मेरा नीचे है तो मैं इसलिए नीचे देख रही हूँ। अच्छा, मैंने एक और काम किया है, मैं एक और काम करती हूँ, यूजुअली हम लूप लेते हैं यूं ही पकड़ते हैं, लेकिन मैं इसको एक टर्न फिंगर, जो अपनी ये वाली फिंगर है, इससे टर्न भी दे देती हूँ, इससे क्या होता है मेरे हाथ में ज़्यादा ग्रिप आ जाती है, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप दोनों फिंगर्स को इसके अंदर डाल के उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने सेंटर से अपने बाल सारे रिमूव कर दिए हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो गए हैं और यहाँ पे कोई भी बाल नहीं है। गैप जो आईब्रो में रखना है वो आप जिस तरह यूजुअली रखते हैं आप उसी तरह कर सकते हैं, ज़्यादा गैप रखना चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो नहीं रख सकें, यह सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, वरना यूजुअली जो है इतना गैप होना चाहिए, लाइक आपका यहाँ से इतने यहाँ से आईब्रो बेसिकली स्टार्ट होना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा कम गैप रखती हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से रखना चाहते हैं। अब हम जो है यहाँ पे जो ये वाले जो बाल हैं इनको करेंगे रिमूव और यहाँ से ये जो नीचे है यहाँ से शेप देना शुरू करेंगे, यहाँ और यहाँ से। मैं अभी आपको शो करती हूँ कि कैसे यहाँ से शेप देनी है, सेम वही तरीका है और लेकिन बहुत एहतियात से, क्योंकि आपने जो है लाइन बनानी है तो इसको इसी डायरेक्शन में रखना है और ये और आईब्रो को यूं ही रखें, टॉट रखें, क्योंकि अगर आप उसको यूं लूज रखेंगे, ये यूं करेंगे या बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको कट भी लग सकता है, प्लस आईब्रो में भी अच्छा खासा सफाया हो सकता है। यहाँ से जो है मैं आईब्रो कर चुकी हूँ, यहाँ तक का पार्ट तो हो चुका है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी स्टिल कुछ बाल नीचे की तरफ है और इस जगह पे जो है मैं थ्रेड नहीं कर सकती हूँ, वो इसलिए कि यहाँ पे जगह होती है सॉफ्ट, तो आप जितना मर्जी टाइट कर लें जब तक आप यहाँ से हाथ से नहीं पकड़ेंगे ना तो यहाँ से नहीं होगा। अगर तो आपके घर में कोई सिस्टर या अम्मी हैं हेल्प के लिए तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपकी आईब्रो यहाँ से पकड़ लें, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इसे यहाँ ट्वीज़र से निकालना शुरू करें, क्योंकि इससे थ्रेड से निकालने की कोशिश मत करें, इसलिए कि थ्रेड से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ बहुत बुरा कट लग सकता है, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो आपने यहाँ पे क्योंकि नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, आपने ट्वीज़र लेना है और ट्वीज़र की मदद से एक्स्ट्रा बाल जो है यहाँ से निकाल लेने हैं और एक ही लाइन में इसको लेके आना है। बालों को जब भी आपने ट्वीज करना है तो उनको उसी की डायरेक्शन में निकालना है, ना कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप उसी बालों की डायरेक्शन में ही निकालेंगे तो आपको पेन नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा कि बाल निकल गया आपका। थ्रेड में आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाना है। आप देख सकते हैं कि मेरी नीचे से आईब्रो जो है शेप अप हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी शेप नहीं बनी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी बाल जो शेप है वो बन चुकी है। ये जो आपको कट नज़र आ रहा है ये मेरी जोत का कट है, ये वैसे कट नहीं, यहाँ मेरे बाल नहीं आते। अब बारी आती है आईब्रो के ऊपर की। आईब्रो के ऊपर सबसे इजी मेथड तो ये है कि आप आईब्रो रेजर ले लें
और उससे जो है इसको नीचे की तरफ प्रेस करें हल्का हल्का, और बहुत एहतियात से करना है, ये ना हो कि आईब्रो उड़ाई हो। हर एक के पास नहीं होता, तो ट्विज़र से भी मैं बता देती हूँ। तो ट्विज़र से आपने जैस्मिन ड्यू फेस मिस्ट यूज़ करें प्राइमरी का, ताकि ये अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। उसके बाद जो है, अगर आप चाहें तो आपका आईब्रो को शेप करने के लिए हम मज़ीद आईब्रो पैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ इस की जो है MM की ब्राउ पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से मैं ये जो नेचुरल सा शेड है, मिड शेड जो है, ये देख सकते हैं मेरी आईब्रो हो गई हैं डन, और ये परफेक्टली शेप्ड अप हो गई हैं, और कोई ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। और मैंने कोशिश की है कि मैं जितना आसानी से हो सके उतना समझा सकूं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। ये वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। सो टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, हैप्पी क्वारंटीन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।